अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। एक खूबसूरत दिन लाहौर शहर में जाती सर्दियों की शायद आखिरी बारिश 1 मार्च और मौसम बड़ा मज़े का। अब जब मौसम मज़े का हो तो फिर लाहौरियों का भी दिल करता है कि कहीं बाहर निकलें, कोई अच्छा सा नाश्ता पॉइंट देखें, कोई मलाई वाली चाय पिएँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर के इलाका फैसल टाउन कोठे पेंट के सेंट्रल फ्लैट्स के दरमियान में एक छोटे से पार्क। यहाँ पे हम आपको एक काट कवर करके बताएंगे, जो साहब जो चला रहे हैं वो बताते ख़ुद बड़ी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी हैं, आइटम है लेकिन बड़ी दिलचस्प पर्सनैलिटी हैं। लेकिन उनकी सबसे मज़े की बात ये है कि ये जो काट वो चला रहे हैं नाचने की, ये उनका आबाई काम नहीं है। इनकी दास्तान जो है वो हिम्मत की है, मुस्लिम साहब जी की है, कि किसी काम से जो पहले कोई और करते थे, शायद रिक्शा चलाते थे, सिर्फ 3-4 साल में कोरोना के शायद दरमियान उन्होंने ये कार शुरू की और अब उसको नहायत कामयाबी से जो है वो रन कर रहे हैं। तो आएँ आज आपको दिखाते हैं बिल्ला चने वाला कोठेफंड फ्लैट्स फैसल टाउन। जी अस्सलाम वालेकुम बिल्ला जी। वालेकुम अस्सलाम बिल्ला जी। माशाल्लाह रेडी ते मैं आया ते रश बेशुमार है हमेशा दी तरह, ते तुसी थोड़ा जिहा अपना तारुफ कराओ कि केड़ी जगह ते खलोते हो ते कदों तक खलोते हो? फैसल टाउन खड़ा जी सेंटर फ्लैट को 3 साल हो गए जनाब। किन्ने साल हो गए ने? 3 साल। तो इस तो पहले किथे करदे सो? इस तो पहले रिक्शा चलांदा बीमार हो गए सी, फिर फ्लैट च आ। अच्छा, यानी कि अबाई काम नहीं है का? सही। ये इसकी रेसिपी आपने कहाँ से ली है? अल्लाह पाक ने दिमाग दिया इंसान को, अल्लाह पाक ने जो इंसान के ऊपर सर लगाया हो, ये कंप्यूटर लगा हुआ है। हाँ, तो आपने ये खुद से डेवलप की, यानी कि सीखी और फिर उसके बाद काम में भी चलाया? दिमाग से काम। ठीक ठीक। तो अभी आपने जो काट लगाई हुई है कोठे पिंड के सेंट्रल फ्लैट के दरमियान उसकी जो बाग है, तो आप अपनी कार्ड पे इसको नाश्ते में क्या क्या ऑफर की चीज़ दे रहे हो? मेरे पास पाए हैं, दिखाओ जरा इन्होंने, थोड़ा रूनुमाई कराओ, मुंह दिखाई कराओ। वड्डे पाए ने ताड़े को बोंग और पाए दो ही कि खाली पाए? खाली पाए। अच्छा 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 अच्छा, ठीक हो गया। और दूसरी तरफ जो है वो आपके पास अल मशहूर लाहौरी जो है वो अंडा चने हैं? अंडा चने, ये अंडा चने हैं। ठीक है जनाब। और तीसरी पतीली में आपने जो है वो जर्दा है जनाब। अच्छा, मीठे चावल वाला काम भी जो है वो आपने किया हुआ है। ये आप सुबह नाश्ते से शुरू हो जाते हैं, क्या टाइम है आपका? सुबह 7:30। 7:30 से, और फिर मेरे ख्याल में ही आपके 11-12 एक ख़त्म कर लेते हैं। अच्छा, मेरा बिल्ला जी जरा वीलॉग ब्रांड का ना एक मकसद यह भी है कि जी साड़ी कौम अजकल बहुत नौजवान नसल परेशान फिरती पई है और गलत कमा वल जाती पई है, बजाय कि रिस्के हलाल किसी सही तरीके नाल काम करने वास्ते। तुसी देखो, तुसी एक रोल मॉडल बने हो, ताड़ा काम या बाई काम नहीं सी, तुसी आप सीखे है और अपने रिस्के हलाल कमाने से कड्डा सेट किया, 3 साल तो कामयाबी नाल चला रहे हो। इंशाल्लाह ताला जी, बड़ा अल्लाह पाक दा करम। सब तो खुशी है कि मैं आवाम दे काम मना। ठीक है, खल के खुदा की खिदमत हो रही है जी, बिल्कुल सही। हलाल लेके जाना और दुआवां मुफ्त दिया, अल्लाह पाक ने मुफ्त दिया दुआवां, बिल्कुल अल्लाह मेहरबान है। सही। तो तुसी एक छोटा जिहा ये दसो, एक और नौजवान नसल नूं जिहड़ी कि बेचारी बेरोजगार फिरदी है, अगर हिम्मत करे किन्ना सेटअप किन्ने पैसे नाल और हिम्मत नाल स्टार्ट हो जाता? जनाब सेटअप तो कोई नहीं, दो पतीले दो सेटअप की कोई दुकान तो है नहीं, बिल्कुल एक आरजी गरीबी अपना काम दिता है और जिंदगी बड़े सुकून दी गुजर, बड़ी इज्जत आप अल्लाह रोजी रोजी देता है। सही। मैं कि किसी को 1 लाख रुपया हो तो ये स्टार्ट हो जाता है? लाख तो भी कट हो सकता, सिर्फ गल है कि हिम्मत, कोशिश कोशिश है असल गल है कि कोशिश करें। सही। तो सर फिर सन टेस्ट कराओ, अज स्पेशल जहाँ प्याला बनाओ जिसे छोले पाओ तो उत्ते तरी शरी पाओ तो फिर वह तजिया कर दें। बनाओ जी सामने जरा,
चने ते उते तरी तानू चने मिखाले खला मिखाले चने खवाओ जी मिखाले चने ठंडा भी पा देना एक एक छोरा डाल है मेरा है नहीं ये होना अच्छा ये होना था मेरा जो बनाओगे तो दसो फिर अल्लाह पाक दा करम अल्लाह पाक दा शुक्र ओदी जात पाक प्याला बनान लगे हो ऐ मिख कड़ी ऐ बोन मैरो किन्ने दा जी ताकि अगर सारे ते कोई मुल नहीं है अच्छा जड़ा वड्डी गड्डी ते आयो ओदे वास्ते ओदे वास्ते केड़ा मोल होना अच्छा बड़ा सर बड़ा 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 सही बड़ा ए जनाब आ गई जी बस मेरी फेवरेट बोन मैरो उसके बाद चने और ये आ गई उसके ऊपर एक हरी मिर्च दे दे तारी ये जरा डिफरेंट और यूनिक सा कॉम्बिनेशन है लोग अंडा पड़वाते हैं कोफ्ता पड़वाते हैं और उसके साथ जो है कोई मटन पड़वाता है देसी चिकन पड़वाता है ये बोन मैरो चने वाह क्या बात जी जनाब तो ये दोनों नौजवान जो हैं वो अभी भी नाश्ता करके फारे हुए हैं हाँ जी भाई मुझे बताएं कि खाली नाम ही नाम है या कोई है स्टाफ में कोई जान भी है अच्छा मगर मद्देनजर ये रखते हुए कि जिस इलाके में और जिस स्टैंडर्ड पे या जिस प्राइस में ये दे रहे हैं इसमें ये आप इसे कंपैरिजन करें तो वैल्यू फॉर मनी है जी बिल्कुल जो इनकी ऑडियंस है ना मगर जो इनके क्लाइंट हैं जो इनके कस्टमर हैं उस लिहाज से तो अच्छा क्वालिटी भी अच्छी है और प्राइसेस भी ठीक है प्राइस भी बिल्कुल ठीक है वैसे भी लाहौर में माशाल्लाह चने जहाँ से भी आप खाएं ठीक होते हैं लेकिन ये माशाल्लाह मैंने देखा कि बिल्ला जी पर्सनालिटी जो है बड़ी ज़बरदस्त है बड़ी इंटरेस्टिंग गपशप वाले जिंदा दिल गपशप वाले आदमी है सही बात तो आप इधर लोकल एरिया से आते हैं या दूर से कहीं से आए हैं वैसे तो मैं तो मियां चुन्नू से हूँ अच्छा 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 यहाँ लाहौर में स्टडी करने के लिए आए हुए हैं ठीक है तो स्टूडेंट के लिए तो बहुत अच्छी जगह ये हुई आप मुझे बताएं मियां चुन्नू की कोई सौगात है तो हमारा तो वो मिठाई के अलावा उसके अलावा मुझे कुछ ज्यादा है नहीं लेकिन हमारा खुशी की बर्फी बहुत मशहूर हाँ नहीं वो तो अब तो लाहौर में भी आ गई चले जी बहुत मेहरबानी शुक्रिया जनाब अब हमारे पास आ चुका है हमारा नाश्ता मिखों वाले छोले और सामने के तंदूर से क्योंकि बिल्ला जी के पास जो है तंदूर अपना नहीं है सेटअप इतना बुनियादी और इतना छोटा है कि तंदूर उनके पास अपना नहीं है तो ये हमारा कड़क कुलचा सामने के तंदूर से ये कोई हुई ना बात दिस इज समथिंग डिफरेंट चनों में मिख पड़वा के ये हुई ना बात साथ नान और लोना बेहतरीन बेहतरीन किस्म का अवामी नाश्ता इतनी प्राइस में इस चार्ट से इससे ज़्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते लाहौर के किसी भी चने जो आजकल बहुत मशहूर हो चुके हैं ब्रांड वो अपनी क्वालिटी खो चुके हुए हैं लेकिन शायद ये स्ट्रगलिंग एज में स्टेज में है कि उन्होंने अपना जायका बरकरार रखा हुआ बेहतरीन चने वाले तरी वाले चने और जो बौंग का शोरबा उसमें उन्होंने ऐड किया उसकी वजह से इनकी लज़त में काफ़ी इजाफा हो गया और बोन मैरो तो वैसे बोन मैरो होती है तो आपको पता ही है लाल बोटी यार तो दी नहीं वो लाल बोटी आ जाए तो मैंने फड़ाओ ज़रा रखो जी जो हमारे से चने बच गए थे उसमें हमने थोड़ा सा चावल और सैलड पड़वा के वाह सुभान अल्लाह जी के चने खाए बहुत मज़े के जो रियली वैल्यू फॉर मनी जिस प्राइस में वो चीज़ दे रहे हैं उसमें वाकई लाजवाब है किसी भी अच्छे ब्रांड से जो कि आप जब आप मटन चने खाते हैं तो बात हज़ारों में पहुंच चुकी हुई है शुक्रिया उसके मुकाबले में नहायत अवामी किस्म का सस्ता सा सेटअप
उतनी ही जिंदा दिल तबीयत के मालिक बिल्ला साहब और उतनी ही मज़ेदार उनका नाश्ता। ये वीलॉग्स बनाने का मकसद सिर्फ यही नहीं कि मैं आपको जो है कोई फूड पॉइंट्स जो है बता रहा हूँ, वो आपको सब लोग जो हैं खुद से भी ढूंढ लेते हैं, बेशुमार वीलॉगर्स हैं। मेरा मेन मकसद ये है कि हमारी वो नस्ल, नौजवान नस्ल जो कि इस वक्त बेरोज़गार है, बुनियादी तालीम की हामिल, जिसके पास टेक्निकल एजुकेशन नहीं है, उतने ज़राए उतने वसाइल नहीं है, वो अपने मुस्तकबिल से वो फ्रस्ट्रेट ना हो। मेहनत की अज़मत में बिलीव कीजिए। आप कोई सा भी छोटा सा सेटअप, आपको कारोबार बजाय ये कि नौकरियां तलाश करें और वही मामूली 15-20-30 हज़ार रुपये की नौकरी से आजकल कुछ नहीं बनना। आप थोड़ी सी हिम्मत कीजिए, डिग्निटी ऑफ वर्क, मेहनत की अज़मत पर यकीन रखिए, अपनी हिम्मत जोरे बाजू पर यकीन रखिए। आप क्योंकि मैं आपको गाइड कर सकता हूँ सर फूड के बारे में, फूड इज़ माई पैशन। आपको कमर्शियल रेसिपीज़ मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, आपको कहीं से भी मिल सकती हैं, लेकिन अल्लाह का नाम लीजिए और अपना कारोबार खुद शुरू कीजिए। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपके काम में बरकत डालेंगे। अल्लाह ताला से रजू रखिए, उसके साथ ताल्लुक़ रखिए। आप अपना काम शुरू कीजिए, रिस्क हलाल नीयत रख के, नेक नीयत से काम कीजिए, मेहनत कीजिए, अल्लाह ताला आपका हाथ पकड़ेगा और किसी भी नौकरी से आप बेहतर रहेंगे इंशाल्लाह ताला अज़ीज़।